हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एनालिसिस पर। तो आज हम देखेंगे फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले मैच के लिए। तो मैच शुरू होगा आज शाम 7:30 बजे और वेन्यू होगा अहमदाबाद। अगर हम पिछले 5 मैचेस का फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर देखें तो आज के मैच में 165 के आसपास स्कोर हो सकता है, और अगर हम देखें यहां पर खेले गए पिछले मैच को तो उस मैच के बेस्ट परफॉर्मर रहे थे केएल राहुल 91 रन के साथ, जो कि उस मैच के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी हरप्रीत ब्रार ने 3 विकेट्स लेकर, जो कि एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर है। लेकिन इस मैच में पेस बॉलर्स और स्पिन बॉलर्स को एक ही जैसे मदद मिली थी, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए थे और स्कोर भी चेज नहीं हुआ था। और उस मैच के भी पिछले 2 मैचेस की बात की जाए तो एक मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे चेज करने वाले बैट्समैन और दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाले बैट्समैन। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो दोनों मैचेस में टोटल 9 विकेट्स गिरी थी और पेस बॉलर्स को स्पिन बॉलर्स के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मदद हुई थी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इस ग्राउंड पर बैट्समैन का परफॉर्मेंस बॉलर्स के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर रहा है, तो इसीलिए मैं अपने फैंटेसी टीम में एक बैलेंस स्क्वाड के साथ जाना चाहूंगा। तो मेरे टीम में फिक्स प्लेयर्स रहेंगे केएल राहुल, जो कि अपने टीम के लिए सबसे ज्यादा रन कर चुके हैं, ऋषभ पंत जो कि अपने बैटिंग से बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और आवेश खान जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ली है। तो चलिए अब देखते हैं अगर पंजाब किंग्स पहले बैटिंग करती है तो हमारी टीम कैसी होगी। तो मैं अपने टीम में जाऊंगा 6 बैट्समैन और 5 बॉलर्स के साथ, और उन 5 बॉलर्स में से 2 बॉलर स्पिनर होंगे। मैं अपने टीम में प्रभसिमरन सिंह को मौका देना चाहूंगा, जो कि पंजाब के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन है, और हमारे फैंटेसी टीम में वो एक सरप्राइज पैकेज भी हो सकते हैं। मुझे क्रिस जॉर्डन और मोहम्मद शमी में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं चुनूंगा क्रिस जॉर्डन को, क्योंकि अगर उन्हें बैटिंग मिलती है तो वो तेज गति से रन्स भी कर सकते हैं और अपने बॉलिंग के मदद से भी कुछ विकेट्स लेके दे सकते हैं। मेरे सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस होंगे केएल राहुल, धवन और शॉ, और मेरे पंट कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस होंगे आवेश खान और प्रभसिमरन सिंह, क्योंकि अगर उन्होंने ओपनिंग करके बड़ी पारी खेल दी तो आपके लिए वो काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करती है तो हमारी टीम कैसी होगी। पिछले टीम के मुकाबले ये टीम भी लगभग सेम ही है। क्रिस गेल के बदले में दीपक हुड्डा को देखना चाहूंगा, क्योंकि वो मुझे एक अच्छा ऑलराउंडर ऑप्शन लगते हैं, और इसके साथ साथ मैं पृथ्वी शॉ या शिखर धवन में से किसी एक को ड्रॉप करके स्टीवन स्मिथ को जरूर खिलाना चाहूंगा, क्योंकि भले उन्हें चेस करते वक्त मौका नहीं मिलता लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग आती है तो वो बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, और दोनों ओपनर्स में से अगर कोई एक ओपनर जल्दी आउट होता है तो उन्हें बैटिंग का चांस जरूर मिलेगा। और इस टीम में मैं जॉर्डन के जगह मोहम्मद शमी को खिलाना चाहूंगा, क्योंकि वो डेथ में मुझे काफी विकेट्स निकाल के दे सकते हैं। इस टीम के लिए मेरे सेफ कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइसेस होंगे केएल राहुल, शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। पंट कैप्टन वाइस कैप्टन यानी कि रिस्की बट स्मार्ट चॉइसेस होंगे स्टीवन स्मिथ और प्रभसिमरन सिंह। तो दोस्तों, ये जो टीम है वो मैंने अपने एनालिसिस और नॉलेज के हिसाब से बनाई है, और अगर आपको इसमें से कोई टिप अच्छी लगती है तो आप इस टिप का इस्तेमाल करके अपनी टीम बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आज के मैच के लिए ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ऐसे ही एनालिसिस के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।